रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब माय चैनल। आज हम आपको शलवार ट्राउज़र में या ट्राउज़र में इलास्टिक लगाने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से लगाते हैं। ये मेरे पास बेल्ट वाली शलवार है जिसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी। अभी ये हमारे पास नाप की शलवार है, इसमें से हम इलास्टिक का नाप लेंगे। ये देखें 13 इंच इसका नाप है, हम इसको 14 इंच लेंगे। आप इस तरह भी नाप कर ले सकते हैं नाप, या कमर के नाप से आप इसका नाप ले सकते हैं। मैंने शलवार के नाप से ही इसका नाप लिया है। और ये हमने इलास्टिक लिया हुआ है, हमने उसका डबल करके नाप लिया था 14 इंच। ये 14 इंच का हमारा इलास्टिक काटा हुआ है। अगर आप इस तरह से नापें तो इसको ये 28 इंच बनेगा। ये देखें ये 28 इंच है। अब हम आपको लगाने का तरीका बताएंगे किस तरह से लगाना है इसको। पहले हम इसको इस तरह से प्लास्टिक को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस पे हम 2-3 सिलाई लगाएंगे, इस पे हम 2-3 सिलाई लगाएंगे कि ये मजबूत हो जाएगा। प्लास्टिक लगाएंगे मैं शलवार में, हमें इस तरह से इसको रखना है। इस तरह से हम इधर रखेंगे और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हम नेफा बनाते हैं शलवार का। इस तरह से हमें इस पर रख कर फोल्ड करना है और हमें यहाँ से इस पर सिलाई लगाना है। सिलाई हमें इस तरह लगाना है कि इलास्टिक ना दबे, सिर्फ कपड़े पर सिलाई आए। प्लास्टिक को इस तरह सरकाते चले जाएंगे, चुनों को इस तरह करेंगे कि
हमने इसमें इलास्टिक लगा लिया है। अभी हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे जो बीच में लगाएंगे। अभी इसमें एक सिलाई और लगेगी। देखें हमने इसमें इलास्टिक लगा लिया है। एक सिलाई हमने बीच में भी लगाई है इसके, और ये हमारा इलास्टिक तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें कि बताएं हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमें सब्सक्राइब करें।